अररिया में पत्रकार विमल यादव हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पत्रकार विमल यादव हत्याकांड की साजिश सुपौल और अररिया जेल में बंद अपराधियों ने रची थी। सुपौल जेल में बंद रुपेश यादव और अररिया जेल में बंद क्रांति यादव ने ही अपने साथियों के साथ हत्या की साजिश रची थी। एसपी अशोक कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मृतक के पिता ने कुल 8 लोगों पर केस दर्ज करवाया है। इसमें 4 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। वहीं 2 मुख्य अभियुक्त माधव यादव और अर्जुन शर्मा अभी भी फरार है। वहीं जेल में बंद दोनों अपराधियों को रिमांड लेने की तैयारी कर रही है। दिनांक 18/8/23 को दैनिक जागरण अखबार के पत्रकार श्री विमल कुमार यादव की हत्या के मामले में इनके पिता हरिंदर प्रसाद सिंह के फर्द बयान के आधार पर रानीगंज थाना कांड संख्या 338/23 धारा 302 120B 34 भादवी और 27 आम सेक्ट के अंतर्गत दर्ज किया गया, जिसमें इनके द्वारा कुल 8 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। तो 8 नामजद अभियुक्तों में से 4 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिनका विवरण है। पहले विपिन यादव हैं जो हरना भरगामा के रहने वाले, दूसरे भवेश यादव हैं जो बेलसरा रानीगंज के रहने वाले, तीसरा आशीष यादव हैं जो बेलसरा रानीगंज के रहने वाले हैं, चौथा उमेश यादव हैं जो कोशिकापुर उत्तर रानीगंज के रहने वाले हैं। 2 नामजद अभियुक्त वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में बंद हैं, जिनमें पहले रुपेश यादव जो बेलसरा रानीगंज के रहने वाले हैं, जो इनके भाई की हत्या जो 2019 में हुई थी उसमें ये सुपौल जेल में बंद हैं। दूसरे क्रांति यादव जो उसी मामले में रानीगंज थाना कोशिकापुर के रहने वाले हैं और उसी मामले में वर्तमान में अररिया जेल में बंद हैं। उक्त दोनों अभियुक्तों को विधिवत रिमांड करने की कार्रवाई की जा रही है। कांड में बनाए गए अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास है। इसमें उल्लेखनीय है कि मृतक विमल जी के द्वारा अधोस्ताक्षी के कार्यालय में एवं थाना में अपने सुरक्षा एवं सशस्त्र अनुज्ञप्ति से संबंधित कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं था। थाना स्तर पर भी मृतक के द्वारा अपने सुरक्षा से संबंधित लिखित मौखिक रूप से शिकायत नहीं की गई थी, जैसा रिपोर्ट हमने लिया है। बचे हुए 2 मुख्य अभियुक्त माधव और अर्जुन शर्मा की गिरफ्तारी शेष है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीम काम कर रही है। बहुत जल्द हम लोग उन दोनों को भी गिरफ्तार करेंगे। इनकी विमल जी की हत्या साजिश रचकर की गई है। साजिश रचने वाले जो अपराधी हैं 2019 में उनके भाई की हत्या कांड में सुपौल जेल और अररिया जेल में बंद हैं, और स्थानीय जो कांड के छुपे हुए लोग थे उनके साथ मिल के और साजिश रच के इस घटना का अंजाम हत्या का कारण 2019 में जो उनके भाई गब्बू यादव की हत्या हुई थी उसी रंजिश के चलते ट्रायल स्टेज में केस था, और उसी कारण ये कॉम्प्लेनेंट थे विपिन जी, इनकी हत्या की गई। और इसमें जेल में बंद दोनों अपराधियों के द्वारा साजिश करके और इस घटना को षड्यंत्र करके इस घटना को अंजाम दिया गया। घटना में प्रयुक्त हथियार या बाइक की बरामदगी अभी नहीं हुई। The new era of style begins now. This is the boldly stylish Honda Elevate. Bookings open.
सीड अपनों में प्यार और स्टाइल दोनों दिखेंगे। द बिग शॉप के साथ खुशियों और फैशन का त्योहार, पूरे परिवार के लिए सबसे शानदार और मनमोहक लुक की खरीदारी करें। कालीबारी रोड भट्टा बाजार पूर्णिया। द बिग शॉप पूर्णिया, कीजिए अपनी शादी की पूरी तैयारी हमारे न्यू वेडिंग कलेक्शन से। ब्राइडल एंड पार्टी वेयर लहंगा, शेरवानी, कोट सूट, साड़ी, गाउन, किड्स वेयर, सभी टॉप ब्रांड्स के साथ एकदम आपके बजट में। कालीबारी रोड भट्टा बाजार पूर्णिया।